नमस्कार, मैं विकास और आप देख रहे हैं टेक्निकल विकास टीवी। इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे वोटर हेल्पलाइन ऐप के मदद से आप घर बैठे मोबाइल फ़ोन से आप वोटर कार्ड आप नया कैसे अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट जानकारी देंगे कि नया वोटर कार्ड आप कैसे बना सकते हैं, अपना फैमिली मेम्बर्स किसी का भी आप इजीली बना सकते हैं मोबाइल फ़ोन से ही। और इसी ऐप की मदद से आप वोटर कार्ड में मोबाइल नंबर, नाम अपडेट कर सकते हैं, नाम में कुछ गलत है तो वो करेक्शन सुधार कर सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ को करेक्शन कर सकते हैं, फादर्स नेम कुछ भी अपना डिटेल्स जो है वो आप चेंज कर सकते हैं। वोटर कार्ड से नाम आप हटा सकते हैं, वोटर कार्ड बना सकते हैं, सुधार कर सकते हैं, सारा काम आप वोटर हेल्पलाइन ऐप की मदद से मोबाइल फ़ोन से ही सारा काम कर सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट जानकारी देंगे वोटर कार्ड को आप नया वोटर कार्ड कैसे अप्लाई करेंगे। इस वीडियो में फुल प्रोसेस हम आपको दिखाएंगे, तो प्लीज़ आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वोटर कार्ड पहले बनने में काफ़ी वक्त लग जाता था, लेकिन अब वोटर कार्ड आपको 15 दिन के अंदर, ज़्यादा से ज़्यादा आपको 15 दिन के अंदर आपका वोटर कार्ड वो बन जाता है, ठीक है। हालांकि फिजिकल जो वोटर कार्ड आपको आएगा कार्ड में, पीवीसी कार्ड में, वो आने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, लेकिन आपका वोटर कार्ड में नाम आपका ऑनलाइन अपडेट हो जाएगा, आपका वोटर कार्ड बन जाएगा, आप उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको वोटर हेल्पलाइन जो ऐप दिख रहा है इसे आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने का लिंक भी हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देंगे, वहाँ पर क्लिक करके भी आप इस ऐप को इजी तरीका से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद कुछ इस तरीका से आपको इंटरफेस होगा, हम आपको पूरा फुल प्रोसेस हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर आई एग्री पर आप क्लिक कीजिए और नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। आप अपने इच्छा के अनुसार यहाँ पर लैंग्वेज को अपना सेलेक्ट कर लीजिए, अपना भाषा सेलेक्ट कर लीजिए। हम इंग्लिश बाई डिफ़ॉल्ट पहले से है तो हम इंग्लिश ही रहने देंगे और गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको नीचे क्लिक करना है एक्सप्लोर, इस पर क्लिक करके आपको लॉगिन पे क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पे आपको, आप न्यू यूजर हैं तो पहले आपको इसमें अकाउंट बनाना पड़ेगा, ठीक है। न्यू यूजर पर आप क्लिक करके अपना अकाउंट बना लीजिएगा, मोबाइल नंबर डालिएगा, सेंड ओटीपी पे क्लिक करके ओटीपी डालिएगा और अपना पासवर्ड एक बना लीजिएगा, ठीक है। और अपना उसके थ्रू आप इजी तरीका से आप इसमें रजिस्टर्ड हो जाएंगे। तो फिलहाल हमने ऑलरेडी इस पर अकाउंट अपना बना रखा है, मोबाइल नंबर और पासवर्ड ये सब मेरे पास अवेलेबल है। तो हम यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे डालेंगे और सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे, ओटीपी आएगा, ओटीपी को डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे। चलिए जी, सारा प्रोसेस हम आपको करके दिखाते हैं। यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल दिए, सेंड ओटीपी पे हमने क्लिक किया, अब ओटीपी आएगा, ओटीपी यहाँ पे आ चुका है, ओटीपी को हमने यहाँ पे डाल दिया है और पासवर्ड को अब डाल देते हैं, ठीक है। तो पासवर्ड हम यहाँ पे डाल देंगे, पासवर्ड शायद गलत डाल दिया पासवर्ड, एक बार हम फिर से वेरीफाई हो जाते हैं, कर लेते हैं। यहाँ पे हम सक्सेसफुली तरीके से यहाँ पे लॉगिन हो चुके हैं। फिर से हम यहाँ पे एक्सप्लोर पर क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे देखेंगे कि न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन फॉर्म 6 आपको भरना है। उसके लिए वोटर कार्ड से नाम हटाने के लिए आपको फॉर्म 7, करेक्शन कुछ भी आपको सुधार करना है तो उसके लिए फॉर्म 8, और आपको आधार लिंक करना है वोटर कार्ड के साथ तो उसके लिए फॉर्म 6 भी भरेंगे, ठीक है। हमें नया वोटर कार्ड, फिलहाल हम इस वीडियो में जानकारी देने जा रहे हैं कि नया वोटर कार्ड हमें अप्लाई करनी है, ठीक है। तो हम यहाँ पे सबसे ऊपर जो लिखा हुआ है न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन फॉर्म 6, इस पर आपको क्लिक करना है फर्स्ट में। यहाँ पे माय नेम इज वोटर ये सब कुछ भी लिखा है, तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है क्लिक, बस आपको नीचे लेट स्टार्ट्स पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे बता रहा है कि यस आई एम अप्लाई फॉर द फर्स्ट टाइम, हम पहले बार अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको इसी पर आपको क्लिक रहने देना है। और यहाँ पे दूसरा जो है नो आई ऑलरेडी हैव वोटर आईडी कार्ड, तो हमारे पास वोटर आईडी कार्ड ये सब नहीं है, हम ऊपर में ही सेलेक्ट रहने देंगे, हम इससे कुछ नहीं करेंगे, आपको ऊपर में ही रहने देना है। यस आई एम अप्लाइंग फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी कि हम पहला बार अप्लाई कर रहे हैं, तो हम उसी को रहने देंगे और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हम अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे, सबसे पहले तो हम झारखंड से, झारखंड सेलेक्ट करेंगे। डिस्ट्रिक्ट हम अपना सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट कर लीजिए, असेंबली अपना सेलेक्ट कर लीजिए। ये सब आपको जानकारी, आपको वोटर कार्ड, अपना फैमिली मेम्बर्स किसी का वोटर कार्ड होगा तो उसमें भी आपको ये सब डिटेल्स आपको रहेगा, तो आप वहाँ सब सेलेक्ट कर लीजिएगा, बाकी आपको लगभग मालूम ही होगा। अब यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे सेलेक्ट डेट ऑफ बर्थ डॉक्यूमेंट, ठीक है।
तो आप जो डेट ऑफ बर्थ डाल रहे हैं उसके लिए आपको प्रमाणित करने के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट को आप लगाना चाहते हैं, डॉक्यूमेंट यहाँ पे आप क्लिक कीजिए, ठीक है। और यहाँ पे हम आधार कार्ड लगाएंगे, आधार कार्ड को हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लिए हैं और यहाँ पे हम अपना आधार कार्ड को यहाँ पे लगाएंगे। यहाँ पे JPEG फाइल होना चाहिए और यहाँ पे 2 MB से नीचे का होना चाहिए, ठीक है, 2 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो चलिए हम यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ सब सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हम अपना आधार कार्ड को यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करके हम गैलरी से जा करके अपना आधार कार्ड को यहाँ पे अपलोड करेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। हमने यहाँ पे अपना लगभग सारा डिटेल यहाँ पे डाल दिया है, देख पा रहे होंगे कि स्टेट सेलेक्ट कर लिया है और डिस्ट्रिक्ट, और अपना असेंबली सेलेक्ट कर लिए हैं, डेट ऑफ बर्थ कैलेंडर की मदद से यहाँ पे सेलेक्ट कर लिए हैं, आधार कार्ड यहाँ पे हम अपना डॉक्यूमेंट लगा रहे हैं बर्थ के लिए, और यहाँ पे हमने अपना अपलोड पे क्लिक करके अपना गैलरी से आधार कार्ड को अपलोड कर लिया है। और यहाँ पे प्रीव्यू पर क्लिक करके प्रीव्यू अपना आधार कार्ड को भी आप देख सकते हैं, नहीं तो हम ऑलरेडी हम देख चुके हैं, नेक्स्ट पर हम अब क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे जिसका भी आप वोटर कार्ड को बना रहे हैं उसका आप यहाँ पे फ़ोटो अपलोड कर लीजिए। तो फिलहाल हम अपना गैलरी से फ़ोटो अपलोड कर लेते हैं। यहाँ पे हमने अपना ऊपर में फ़ोटो अपलोड पिक्चर पर क्लिक करके गैलरी से फ़ोटो हमने यहाँ पर उठा लिया है, ठीक है। यहाँ पर मेल फीमेल हम सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पर फीमेल हम सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे इंग्लिश में नाम डालेंगे, और नाम डाल करके जैसे ही आप नेक्स्ट कीजिएगा तो यहाँ पे आपका हिंदी में यहाँ पे नाम आ जाएगा, तो अपना नाम हिंदी में मिला लीजिएगा, कुछ गलत होगा तो, ठीक है। यहाँ पे सरनेम जो भी है सरनेम कुमारी हम डाल देते हैं, कुमारी डाल करके नेक्स्ट क्लिक करेंगे, यहाँ पे कुमारी लिख दिया, कुछ भी गलत कभी कभी हो जाता है तो वो चीज़ आप मिला लीजिएगा, अच्छे से देख लीजिएगा। अब यहाँ पे आधार नंबर हम यहाँ पे डालेंगे, ठीक है, और यहाँ पे मोबाइल नंबर डालेंगे, और यहाँ पे और आपको मोबाइल नंबर ऑफ रिलेटिव अपने रिलेटिव वाले का मोबाइल नंबर डालना है और तो डाल दीजिए, इसके बाद अपना ईमेल एड्रेस डालिए, ईमेल एड्रेस अपना रिलेटिव को डालना चाहते हैं तो डाल दीजिए, नहीं तो आप रहने दीजिए, ठीक है। और चलिए बाकी फिर यहाँ पे हम आपको आगे दिखाते हैं। एक बार अच्छे से हम इसे मिला लेंगे, अपना फ़ोटो हमने लगा दिया है, यहाँ मेल फीमेल सेलेक्ट कर लिए हैं, और यहाँ पे इंग्लिश में नाम, इसके बाद फिर हिंदी में नाम है, इसके बाद सरनेम है कुमारी, ठीक है, हिंदी में भी कुमारी, आधार नंबर डाल दिए हैं, मोबाइल नंबर डाल दिए हैं, ईमेल डाल दिए हैं, ठीक है। और आपको नेक्स्ट पे अब क्लिक करना है। नेक्स्ट में अब आपको यहाँ पे अपना रिलेशन टाइप आपको सेलेक्ट कर लेना है, तो मान लीजिए कि हम हस्बैंड हम सेलेक्ट कर लेते हैं, आप अपना फादर्स अपना कुछ जो भी मान लीजिए चूज करना चाह रहे होंगे, हम अपना भाभी के लिए बना रहे हैं ये वोटर कार्ड, हम हस्बैंड सेलेक्ट कर लेते हैं, उनका मदर आप चाहें मदर फादर्स जो भी आप चाहें आप अपने इच्छा के अनुसार सेलेक्ट कर सकते हैं, तो हम हस्बैंड यहाँ पे कर देते हैं। अब यहाँ पे जो हस्बैंड हैं उनका यहाँ पे वोटर आईडी नंबर यहाँ पे डालना होगा, ठीक है, और यहाँ पे उनका नाम डालना होगा। हालाँकि सिक्योरिटी पर्पज से मैंने कुछ चीज़ों को हाइड किया हुआ है, और यहाँ पर हिंदी में आपका वो नाम हो जाएगा डायरेक्ट, ठीक है, नीचे। अब यहाँ पर हिंदी में यहाँ पे मेहता हो गया, ठीक है। अब हम यहाँ पे वोटर आईडी नंबर उनका फिर मेरे पास फिलहाल नहीं है, तो हम जुगाड़ करके अभी डालते हैं। यहाँ पे हम एक बार फिर से मिला लेते हैं, यहाँ पे हस्बैंड सेलेक्ट कर लिए हैं, आप फादर्स मदर आप जिसका भी रिलेशन आप टाइप सेलेक्ट करना चाहते हैं सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे हस्बैंड हमने सेलेक्ट कर लिया है, और अब हस्बैंड का यहाँ पे वोटर आईडी नंबर डाल दिए हैं, यहाँ पे उनका नाम, ठीक है, और यहाँ पे हिंदी में फिर से इंग्लिश में, और रिलेशन का लास्ट में जो भी इनका रिलेशन है उनका लास्ट नेम मेहता है, तो मेहता यहाँ पे हिंदी में भी, ठीक है। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे हम अपना एड्रेस फिलअप करेंगे, यहाँ पे एड्रेस को हम डालेंगे, चलिए हम अपना एड्रेस डाल देते हैं। हमने यहाँ पे अपना हाउस नंबर डाल दिया है, ठीक है, इसके बाद यहाँ पे स्ट्रीट अपना डाल दिए हैं, मोहल्ला रोड कुछ भी डाल दीजिए अपना लोकल जगह का नाम, स्कूल है तो स्कूल, मंदिर हम डाल दिए हैं कोटा मंदिर, ठीक है। हिंदी में भी यहाँ पे आपको कुछ हिंदी में मिला लीजिएगा, कुछ गलत हो सकता है जैसे कि, और यहाँ पे विलेज डाल दिए इंग्लिश हिंदी, यहाँ पे पोस्ट इंग्लिश और हिंदी में, पिन कोड यहाँ पे तहसील मंडल ये सब डाल दीजिए, ठीक है, ब्लॉक का नाम यहाँ पे इंग्लिश हिंदी में डाल दीजिए। यहाँ पे सेलेक्ट एड्रेस प्रूफ में हम यहाँ पे आधार कार्ड हम सेलेक्ट कर लिए हैं, ठीक है, यहाँ पे अपना आईडी सेलेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे अपलोड कर दीजिए, आधार कार्ड में सेलेक्ट किया, आधार कार्ड को यहाँ पे अपलोड कर दिया। प्रीव्यू पर क्लिक करके आप इसका देख भी सकते हैं प्रीव्यू को, नहीं तो नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। नेक्स्ट पर क्लिक कर दिए हैं, अब यहाँ पे हम अपना डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट कर लेंगे, झारखंड में कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, तो हम एक बार अच्छे से सेलेक्ट कर लीजिएगा गढ़वा। यहाँ पे
विलेज टाउन आपका जो भी है वो आप यहाँ पे डाल दीजिए, यहाँ पे हम डाल देंगे ठीक है। तो फिर से हम यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ कैलेंडर की मदद से यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे ईयर है तो ईयर का सेलेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे 2022 है, यहाँ पे 2022 पे हम क्लिक करके यहाँ पे 2002 सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट कर लेते हैं ठीक है। तो इस तरीके से आप सेलेक्ट कर लीजिए। अब यहाँ पे हम अच्छे से एक बार मिला लेंगे, अपना स्टेट यहाँ पे सेलेक्ट कर लिए हैं, डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे विलेज डाल दिए हैं, डेट ऑफ बर्थ को हम सेलेक्ट कर लिए हैं, और यहाँ पे अपना नाम फुल नेम यहाँ पे हमने डाल दिया है, और यहाँ पे प्लेस में अपना गांव का नाम डाल दिए हैं, और डन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपका जो भी है पूरा डिटेल्स यहाँ पे शो हो जाएगा ठीक है। आप इंग्लिश हिंदी सब कुछ में अच्छे से मिला लीजिएगा, मोबाइल ईमेल सब अच्छे से मिला लीजिए, आधार नंबर, यहाँ पे कुछ भी मेरा दिक्कत नहीं है, सारा कुछ यहाँ पे सही है ठीक है। तो यहाँ पे हम छोड़ देते हैं। अब यहाँ पे कन्फर्म पे हम आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे कि सक्सेसफुल तरीका से यहाँ पे वोटर कार्ड मेरा अप्लाई हो चुका है, और यहाँ पे ये रेफरेंस आईडी है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि इसी यही रेफरेंस आईडी जो है यहाँ पे आपको शो हो रहा है, इसी के थ्रू आप अपना स्टेटस को चेक कर सकते हैं ठीक है। कॉपी कर लेते हैं, अब हम लोग चलते हैं, बैक आते हैं, और यहाँ पे एक्सप्लोर पर क्लिक करेंगे, और स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन पर यहाँ पे करेंगे, रेफरेंस आईडी डाल लेंगे। यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे नाम बता रहा है ठीक है, फर्स्ट और लास्ट नाम यहाँ पे, और यहाँ पे देखेंगे कि अभी यहाँ सबमिट किया गया है 2:06 हो रहा है, 51 सेकेंड हो रहा है, और यहाँ पे चार स्टेप यहाँ पे रहते हैं, BLO पॉइंट, इसके बाद फील्ड वेरीफाइड, और एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट। इस तरीके से आप अपना स्टेटस भी चेक कर सकते हैं, बहुत फास्ट बन जाता है, 10 से 15 दिन के अंदर आपका यहाँ पे वोटर कार्ड जो है वो बन जाएगा। इसी तरीके से आप इजी तरीके से आप वोटर कार्ड बनवा सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो पसंद आया हो, प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ताकि इस तरह का अपडेट आपको आगे मिलता रहे। मिलेंगे जानकारी के साथ।